खरीफ फसल लागि बढ़िला सर्वनिम्न सहायक मूल्य आज केन्द्र कैबिनेट बैठक में 17 फसल लागि एमएसपी नहीं नीति निर्धारण करछन्ती केन्द्र सरकार 2022-23 लागि खरीफ फसल लागि वृद्धि लागू होई छी। धानर सर्वनिम्न सहायक मूल्य 2040 टंका को वृद्धि करा जाई छी। पूर्वरु 1940 टंका थिबा बेले एबे क्विंटल पिछा 100 टंका बढ़ी छी। पूर्वरु धानर सर्वनिम्न सहायक मूल्य 2930 टंका करबा को ओडिसा विधानसभा रे सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित होइतिला। धान सह मुग सूर्यमुखी आदि तैलबीज लागि एमएसपी वृद्धि होइछि। धान पर मुग लागि क्विंटल पिछा 480 टंका वृद्धि होइतबा बळे सूर्यमुखी लागि क्विंटल पिछा 385 टंका बढ़ा जाइछि। 2022-23 के लिए खरीफ की 14 फसलों की सब वैरायटी सहित 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का अनुमोदन किया गया है। तिल की एमएसपी में 523 रुपए की वृद्धि इस साल होगी। मूंग पे 480 प्रति क्विंटल उसकी वृद्धि है। सूरजमुखी बीज पर 385 रुपये प्रति क्विंटल और रामतिल पर 357, तो कपास मध्यम रेशा पर 354 रुपये, सोयाबीन पर जो पीला उस सोयाबीन पीला पर 350 रुपये की वृद्धि होगी। धान पर 100 रुपया, धान सामान्य पर 100 रुपया और धान ग्रेड ए पर 100 रुपया, बाजरा पर 100 रुपया और मक्का पर 92 रुपये।